बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 पार्ट ए। टुडे टॉपिक इज़ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ओपन साइंस बुक पेज नंबर 72, राइट डेट एंड क्लास वर्क, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। इट इज़ क्वाइट इजी टू रिकॉग्नाइज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट्स कलर, डेंसिटी, appearance and other properties are the same throughout the solutions। एक solution को recognize करना यानी पहचानना बहुत आसान है। solutions का color, density, appearance और दूसरी properties भी solution में शुरू से आखिर तक same होती हैं। अब density की definition हम समझते हैं। density, it is the measure of the mass of an object पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में मास को मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, सम थिंग्स फ्लोट, सम थिंग्स सिंक। कुछ चीज़ें तैरती हैं और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ये सब डेंसिटी की वजह से है। द मोर मास एंड लेस एयर एन ऑब्जेक्ट हैज़, द मोर डेंस इट इज़। लेस डेंसिटी फ्लोट, मोर डेंसिटी सिंक। कम डेंसिटी है तो चीज़ें तैरेंगी, ज़्यादा डेंसिटी हैं तो चीज़ें डूब जाएंगी। आ सोल्यूशन ऑल्सो अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज सेड टू बी होमोजीनियस। इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू अलाउ द सोल्यूशन टू स्टैंड, एज लॉन्ग एज नन ऑफ द सॉल्वेंट एवेपोरेट्स। The solute does not separate from the solvent. You cannot separate the solvent and the solute by filtration. Solution से light pass होती है और solution homogeneous होता है। Students, homogeneous means एक जैसा। मिसाल के तौर पर हम पानी के अंदर sugar dissolve करते हैं तो ये sugar solution बना। अब इस sugar solution में हम पानी और शुगर को अलग नहीं कर सकते, तो ये सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेपरेट नहीं कर सकते।